शिवसेना द्वारा कांट रोड स्थित मिगलानी सेलिब्रेशन में सामूहिक व्रत पारण एवं महाआरती का कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें सभी शिव सैनिकों द्वारा सभी अतिथियों का अभिनंदन कलावा बांधकर व तिलक लगाकर किया गया। जिला प्रमुख वीरेंद्र अरोड़ा ने सभी अतिथियों का आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में अतुल सोती, नरेंद्र सिक्का, विनोद कुमार, डॉक्टर मुकेश अग्रवाल, डॉक्टर सीपी सिंह, सुरेश सैनी, दीपक टंडन, उमेश ठाकुर आदि शिव सैनिक उपस्थित रहे। रिपोर्ट अजय सक्सेना। उस मीटिंग में मैं मौजूद था, प्रशासनिक अधिकारी नियम वगैरह सब थे, और उसमें ये बात हुई थी कि ओम जय गणेश, जय गणेश, जय गणेश देवा, माता जय के पार्वती पिता महादेवा, हार जय बोल जय और जय देवा, लड्डूंदा भोग लग संत गर देवा, एक नंद दया क्योंकि दुष्टों का नाश करने के लिए सारे देवी देवताओं ने अपने कुछ ना कुछ धर्म के लिए काम किया है, लेकिन आज हमारी पीढ़ी सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई की तरफ भाग रही है। डॉक्टर इंजीनियर बन जाएंगे, जगह जगह बच्चों को ट्रेनिंग क्लास लगानी चाहिए, वो हमने वहां से शुरुआत करी थी। और कोई भी ऐसा मंदिर हो, मैंने कमल भाई साहब से भी कहा था, कोई भी अपने मंदिर में अगर इस तरह की व्यवस्था है तो उसकी सत्संग का सारा ग्रुप का खर्चा। फिर मुझे बात आ रही लौट के कि उस मीटिंग में भी मुश्किल से बहुत कम हिंदू लोग थे जबकि बुलाए गए थे, और मुस्लिम की संख्या अधिक थी। जब हम कोई बात रखते हैं तो हर उस जगह जहाँ से हमें सूचना आती है हमें जाना चाहिए। पिताजी और पिताजी की तरह सम्मान और मेरा उनके चरणों में यहाँ पर बैठे हुए समस्त मुझसे बड़े देव तुल्य लोग और देवी तुल्य मेरी माए बहने और प्रत्येक समस्त महानगर के सम्मानित चिकित्सा निर्यात और मेरे शिव सैनिक भाइयों और अलग अलग क्षेत्रों से आए हुए संगठनों से जुड़े हुए लोगों को मैं हृदय से अभिनंदन और नमन करता हूँ। बात बहुत देर पहले से भी माता के दरबार में बैठे और माता की आराधना के लिए यहाँ पर बैठे हैं। अभी जो उससे पहले भक्ता थे बड़ी अच्छी बातें उन्होंने कही, इसलिए मैं एक बात उनका और कहूँगा, ये मैंने अपने घर पर भी अपना ही बात उन्होंने कही। मेरी बेटी उस समय हाई स्कूल में पढ़ती थी और वो घर से निकली हुई थी, बगल का सालतपुरा है, कुछ लड़के आए और उसका पर्ची के भाग गए, वो बड़ी परेशान हुई। तो मैंने ये सोचा यदि इसने अपनी सुरक्षा खुद की होगी तो शायद उस पट्टा मार के नहीं जाते, तभी मैंने उसको जूडो क्लास ज्वाइन कराई जाए। तो ये जो चीज है हम सभी को थोड़ा बहुत करना चाहिए। आपका नाम भैया? नवरात्रों के महापर्व पर सभी लोगों को बधाई शुभकामनाएं। आज क्या कार्यक्रम है? के द्वारा ये नवरात्रों के महापर्व पर व्रत पारायण का कार्यक्रम है। ये कार्यक्रम शिवसेना के द्वारा शुरू कराया गया और शिवसैनिक भाई और शिवसेना के पदाधिकारियों ने इतना हम लोगों को अपने हिंदू मजबूत हो, भगवा ध्वज चारों दिशाओं में फैले और हिंदुत्व के अंदर जाति का भेदभाव समाप्त हो और हिंदुत्व में जो नवयुवक है उनको अपने धर्म का अपने उसका पूर्ण रूप से ज्ञान है। इन्हीं सब विषयों पर शिवसेना के द्वारा समस्त संगठनों के पदाधिकारी और मिलाकर के चर्चा करी जाती है। ये शिवसेना के व्रत पारायण भी एक धर्मसभा भी है। इस धर्मसभा के बाद महाआरती का कार्यक्रम हुआ बहुत सुंदर और उसके बाद सभी लोगों ने मिलकर के प्रसाद वितरण हुआ, प्रसाद में सभी लोगों ने बहुत अच्छा खोला। ये कार्यक्रम आगे भी सब लोग करने का मन बनाए हुए हैं। आज मनोकामना मंदिर के लोगों ने भी घोषणा करी है कि
शिवसेना भी इस कार्यक्रम से प्रेरित होकर के वो भी कार्यक्रम करेंगे। आने वाला समय होगा पूरे देश में, पूरे महानगर में, जिलों में सब जगह ये कार्यक्रम होंगे और इसके लिए हम सब लोग हिंदू को मजबूत करने जय भवानी। शिवसेना कितने वर्षों से कार्य कराती आ रही है? ये कार्यक्रम हमने 2013 से शुरू करा था और लगातार इस कार्यक्रम को करा। इस बार भी प्रशासनिक अधिकारियों की कार्यक्रम का रूप बहुत छोटा करा गया क्योंकि ये चुनाव का वो था। अब मेरे चुनाव के कार्यक्रम में किसी नहीं तो इस कार्यक्रम में समस्त पार्टियों के नेता जो भी हिंदू भले वो किसी भी संगठन से जुड़ा हो, भले वो समाजवादी से हो, भाजपा से हो, कांग्रेस से हो, शिवसेना से हो, बहुजन समाज पार्टी से हो, हमारा उद्देश्य होता है कि हम सब एक मंच पर एक जगह आकर के हिंदुत्व के लिए संकल्प लें और हमेशा सब लोग सभी संगठनों के आए हुए। लेकिन चुनाव की दृष्टि को देखते हुए शिवसेना ने किसी भी नेता को न बुला करके आज किसी भी पार्टी के अपने जो लोग जो हिंदुत्व के लिए काम कर रहे हैं संगठनों के माध्यम से उन्हें बुलाया और ये कार्यक्रम को करा। जय भवानी जय भवानी।